वो नवंबर का वस था शायद, जब कोरोना आया था, पूरी दुनिया पर पड़ा एक दहशत का साया था। सारी दुनिया के सभी शोबे हुए इससे मुतासिर थे, पर सबसे ज़्यादा ज़ेरे असर इल्म के मुसाफिर थे। इससे पहले दुनिया में ऐसी वबा आई न थी, सारी दुनिया इतनी ज़्यादा पहले कभी घबराई न थी। लेकिन एक उस्ताद था, खड़ा था जो बेखौफो ख़तर, बेहतरी को तलबा की रहा वो कोशां शामो सहर। कंप्यूटर के चार हिस्सों से भी अगरचे वो वाकिफ न था, सबक ऐसा पढ़ाया जिसका कोई भी मुतबादिल न था। तलबा को वीडियोस के ज़रिए करने लगा वो मुस्तफीद, साथ ही अपनी महारत को कर रहा था वो जदीद। तमाम टीचर्स एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे, थाम कर हाथ आगे बढ़े, सिलसिले तालीम चलाने लगे। टेक्नोलॉजी के माहिर हर दिन नया एक कोर्स सिखाने लगे, असातिज़ा भी वीडियोस में अपनी जिद्दतें लाने लगे। फिर जो तलबा ऑनलाइन काम अपना भिजवाने लगे, गाहे बगाहे टीचर्स को वालदैन के मैसेजेस आने लगे। ऑनलाइन चेकिंग भी एक अजाब ठहरी थी, असातिज़ा का दिन न दिन रहा न रात रात ठहरी थी। वालदैन का किरदार भी कहीं पर काबिले सताइश था, कहीं पर इनका रवैया असातिज़ा के लिए आजमाइश था। चेकिंग के लिए फिर नई ऐप्स को मुतारिफ़ करवाया गया, 800-900 असाइनमेंट्स चेक करके जुए शीर लाया गया। दुनिया में फिर कोरोना की दूसरी लहर आई थी, टीम्स ऐप से हुई फिर असातिज़ा की शनासाई थी। वाइट बोर्ड से तलबा को स्क्रीन पर लाया गया, फ़ोन कर कर के तलबा को क्लास के लिए जगाया गया। अगरचे क्लास में तलबा थे मगर तादाद थोड़ी थी, असातिज़ा की पढ़ाने की मगर तैयारी पूरी थी। साल में एक दो बार अगरचे स्कूल खुलवाया गया, SOPs के साथ तालीमी सिलसिला चलाया गया। तलबा को रद्दो बदल के साथ स्कूल में बुलवाया गया, असातिज़ा से यहाँ पर भी डबल वर्क कराया गया। ऑनलाइन असेसमेंट भी तलबा की एक मजबूरी थी, कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा जिसमें ईमानदारी थोड़ी थी। 1.5 साल पर मुहित ये अरसा यूं तो बड़ा संगीन था, लेकिन फिर भी मुअल्लिम का किरदार काबिले तहसीन था, लेकिन फिर भी मुअल्लिम का किरदार काबिले तहसीन था।